स्वागत है आप सभी के प्रति मेरे को नए फ्रेश वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। कल की प्रेडिक्शन इतनी बिंदास जाएगी मुझे तो कोई अंदाजा ही नहीं था। मैंने आपसे कहा था कि आपको सिर्फ चार प्लेयर ऐसे रिक्स ही लेके चलना है और बड़े चार प्लेयर आपको ड्रॉप करने पड़ेंगे। कल की प्रेडिक्शन में जिसने भी मेरी प्रेडिक्शन देखी होगी वो जाके देख ले। मैंने बोला हुआ था कि विराट कोहली कल फ्लॉप साबित होंगे, मतलब कल फ्लॉप साबित हुए विराट कोहली। और डुप्लेसिस जो कि दो तीन मैच से नहीं चल रहे थे उस मैच में डुप्लेसिस बढ़िया चले। मतलब मैं आज भी आपसे ये कहूंगा सिर्फ आप चार प्लेयर ऐसे लेके चलिए जिनका सिलेक्शन 10 से 15% हो और 3 से 4 प्लेयर वो ड्रॉप लेके चलिए जिनका सिलेक्शन 80+ हो, उनको आप ड्रॉप करिए तभी आप इस रकम को अर्न कर पाएंगे, अन्यथा आप इस रकम को अर्न नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको ये पैसे जीतने हैं तो चलिए मेरी वीडियो देखिए आप बहुत ध्यान से, और वीडियो देखते हुए आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हो तो आप पैसा नहीं जीत पाओगे। पर चलिए आप स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए, और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर करें। देखिए अब आपको बगैर स्किप करें वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगी, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ वीडियो को स्किप मत करना और आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। चलिए बात करते हैं। आपको एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ेगी, टीम बनाने से पहले आपको यहाँ की पिच रिपोर्ट भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। पिच रिपोर्ट को ध्यान में रखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि इस पिच पे कौन सा प्लेयर प्रदर्शन करेगा कौन सा प्लेयर प्रदर्शन नहीं करेगा। देखिए मैच का होने वाला है नवाबों के शहर लखनऊ में, जहाँ की पिच मोस्टली फर्स्ट इनिंग में बैटिंग को भयंकर सपोर्ट करती है और आपको 180 से लेके 190 का स्कोर देखने को मिल सकता है, और सेकेंड इनिंग में 60 से लेके 170 पे ही सिमट जाती है। मतलब आप कह सकते हो ओवरऑल जो टीम पहले खेलेगी वही टीम यहाँ पे जीतेगी। बताऊंगा कैसे टीम बनानी है, आपको कैसे ऐसे रिस्क लेना है। चार प्लेयर आपको बड़े छोड़ने पड़ेंगे, उनकी जगह पे आपको चार ट्रम्प प्लेयर यूज करने तभी आप 3 करोड़ विन कर पाओगे, अन्यथा आप विन नहीं कर पाओगे। देखिए आपके पास टीम में ऑप्शन ज्यादा है। देखिए केएल राहुल भी विकेट कीपिंग में है, निकोलस पूरन भी विकेट कीपिंग में है, डिकॉक भी विकेट कीपिंग में है, ऋषभ पंत भी विकेट कीपिंग में। मतलब ओवरऑल चार प्लेयर जो टॉप के हैं वो सब विकेट कीपिंग में है, और शेख कोरेल भी विकेट कीपिंग में है। मतलब अब शेख का भी बेहतरीन प्रदर्शन आया, मैं आपको दिखा दूं, ये देख लीजिए एमआई खिलाफ 56 पॉइंट बनाए हैं, बेहतरीन फॉर्म में आए। बैटिंग थोड़ा छठवें सातवें पे बैटिंग करने को मिलती है तो उस टाइम पे या तो मारो या तो मर जाओ, दोनों में एक ही काम रहता है, तो वहां मारने को आते इसलिए कैच थमाके चले जाते थे। लेकिन बल्लेबाज बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन भी करते हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊं आपको किसको लेके चलना। देखिए केएल राहुल लखनऊ के कप्तान भी है, और केएल राहुल का मैं आपको पॉइंट दिखा दूं, लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, आप देख सकते हो लगातार, और लखनऊ का ये होम ग्राउंड भी होने वाला है अटल बिहारी वाजपेयी में, जहां ये मैच हो रहा है कान्हा स्टेडियम में, ये लखनऊ का होम ग्राउंड भी है, तो आप केएल राहुल को लेके चलिए। ठीक है, निकोलस पूरन थोड़े चौथे नंबर पे खेलने आते हैं, वहीं पे मारना स्टार्ट करते हैं। आप देख लीजिए बेहतरीन खेल दिखाया हुआ है अभी तक इन्होंने, तो आप इनको अपनी टीम में लेके चलिए। हाँ हालांकि और टीम आप बनाओ दो तीन तो इनको छोड़ना है आपको, आप समझिए इनको आपको छोड़ना है, जब आप एक दो टीम और बनाओ तो आपको इनको छोड़ना है। डिकॉक को आप लेके चलिए, ओपनिंग करने आएंगे और वहीं से मारना स्टार्ट करते हैं, और जो कि विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देते हैं। आप देख सकते दो मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, यहाँ पे थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे लेकिन एक एवरेज पॉइंट तो देके ही गए, विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देते हैं, आप इनको लेके चलिए। ऋषभ पंत को अगर आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, एमआई के खिलाफ नहीं चले थे, बाकी तीनों मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करके आए हैं, फिलहाल आप इनको ले लीजिए। देखिए चार टॉप जो इनके जो है वो आपने ले लिए हैं। ठीक है, अब आपको क्या है कि चार बड़े प्लेयर छोड़ने पड़ेंगे। देखिए डेविड वार्नर को आपको छोड़ना पड़ेगा, डेविड वार्नर कोई शक नहीं बेहतरीन फॉर्म में भी चल रहे बेहतरीन प्लेयर है, आप देख दो मैच में ही नहीं चले हैं, बाकी दोनों में प्रदर्शन आया है, एवरेज प्रदर्शन आया है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। लेकिन आपको यहाँ पे अगर आपको 3 करोड़ जीतना है तो फिर आपको यहाँ इनको ड्रॉप करना पड़ेगा। इनका सिलेक्शन देखिए आप 86% है इनका सिलेक्शन, आपको यहाँ इनको छोड़ना पड़ेगा, मैं इनको यहाँ ड्रॉप लेके चलूंगा। पृथ्वी शॉ को आप ले चलिए, पृथ्वी शॉ भयंकर फॉर्म में आए हैं, पिछले देख लीजिए पिछले मैच में 96 पॉइंट मारे हैं एमआई खिलाफ, तो बढ़िया फॉर्म में आए हैं, इनको आप लेके चलिए। आप डेविड वार्नर को आप इग्नोर कर दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए आराम से। स्तब्ध को आप टी स्तब्ध को लेके चलिए, बेहतरीन फॉर्म पकड़ी हुई, आप देख सकते हो इनका सिलेक्शन भी बहुत कम हुआ होगा,
सॉरी 72% इनका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन आप इनको अपनी टीम में लेके चलिए। ए पोरेल थोड़ा रिक्स है क्योंकि ये पता नहीं यहाँ बैटिंग करने नहीं आएंगे, क्योंकि इनके आउट होते ही ऋषभ आएंगे, ऋषभ पंत आएंगे, उसके बाद ये यहाँ आएंगे अक्षर पटेल के बाद। तो फिलहाल मैं इनको छोड़ के चल रहा हूँ। जाइए ऑलराउंडर में कुणाल पांड्या, अक्षर पटेल और एल यादव, ललित यादव, ये आपको देखने को मिलेंगे, और मार्केट स्टोनिस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से आप मार्केट स्टोनिस को ले लीजिए। अब आपके कितने प्लेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेयर आपके हो गए। अब आपको 4 ऐसे ट्रंप यूज करने हैं। अगर आपने टॉप के इनके बैटिंग लाइनअप ले लिया, ठीक है, आपने टॉप की इनकी बैटिंग लाइनअप ले ली, तो फिर आप जो इनके जो टॉप के बॉलर है इनको आपको छोड़ना पड़ेगा, इनको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये प्रदर्शन बढ़िया करें। देखिए मैं रिचर्डन को ड्रॉप करूंगा, मैं इनको अपनी टीम में नहीं लेके चलूंगा, क्योंकि मैंने उस रात से टीम बनाई है, जो मैंने आपसे कहा 4 खिलाड़ी आपको छोड़ने पड़ेंगे, ट्रिम मतलब 4 जो बड़े खिलाड़ी आपको छोड़ने पड़ेंगे। ये रिचर्डन को आप छोड़ दो, कोई मतलब नहीं मिलेगा, ठीक है। अक्षर पटेल को आप लेके चलो, अक्षर पटेल को विकेट यहाँ मिलने के चांस रहेंगे, जिस हिसाब से मैं टीम बना रहा हूँ, क्योंकि इनको विकेट नहीं मैं दे रहा हूँ, तो फिर इनको विकेट मिलेगा, ये बीच में गेंदबाजी करने आएंगे। अक्षर पटेल को आप ले लीजिए, तजे को आप छोड़ दीजिए, मैं इनको नहीं लेके चलूंगा। के अहमद को आप छोड़ दीजिए, खलील अहमद को, इनको मैं नहीं लेके चलूंगा, मैं इनको ड्रॉप करूंगा, इन्हीं का तो मैं रिस्क ले रहा हूँ, इनका रिस्क ले रहा हूँ और इनका रिस्क ले रहा हूँ। पटिकल को भी लेके चलिए, दीपक पटिकल को भी लेके चलिए अपनी टीम में, फिर रिस्क लेना है तो दीपक पटिकल को मैंने ले लिया है। अब मैं एक ऐसे गेंदबाज चुनूंगा जो लखनऊ की तरफ से डेथ में गेंदबाजी करें और शुरुआत में गेंदबाजी करें, वाई ठाकुर को आप लेके चलिएगा, नवीन उल हक को लेके चलिएगा। अब देख लीजिए हमारी टीम बनके तैयार हो गई है, देख लीजिए हमारी टीम बैटिंग सेशन के हिसाब से बनके तैयार होगी, जिसमें मैंने 4 विकेट कीपिंग, 3 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर और 2 बॉलर्स को ले रखा है। बॉलर्स मैंने जो है कि सब लखनऊ के लिए है, और एक ऑलराउंडर बॉलर लिया है मैंने सिर्फ डीसी का, बाकी मैंने कोई भी बॉलर डीसी का नहीं लिया है। अब मैं कप्तान बॉस की बात करूं, तो मैं अगर लखनऊ पहले बैटिंग करती है तो फिर मैं केएल राहुल को कप्तान बनाऊंगा, मैं बॉयस कैप्टन मार्केस स्टोनिस को बनाऊंगा, क्योंकि मार्केस स्टोनिस जो है कि ऑलराउंडर बेहतरीन है, बढ़िया फॉर्म में भी है, आप देख सकते हो लगातार प्रदर्शन इनका आ रहा है। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन पृथ्वी शाह बॉयस कैप्टन के बेहतरीन ऑप्शन है, डिकॉक कैप्टन के बेहतरीन ऑप्शन है, निकोलस पुरन बॉयस कैप्टन के बेहतरीन ऑप्शन है, आप देख सकते हो। हमारी टीम बनके तैयार हो गई। अगर आपको हमारी टीम अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी टीम कैसी लगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।